हेलो फ्रेंड, आज मैं मलाई मसाला पनीर बनाने जा रही हूँ। ये बनाने में बिल्कुल आसान है। ये देखिए कितना गाढ़ा बना है बिना लहसुन प्याज का। ये आप व्रत में भी खा सकते हैं। मैंने इसके लिए 400 ग्राम पनीर लिया है। अब मैं इसे टुकड़ा में काट के रखी हूँ, आप छोटा बड़ा अपने हिसाब से काटें। अब मैं 3 टमाटर, 6 काजू, इसमें 2 मिर्च लूंगी, अब इन सभी को बारीक पीस ले। ये बारीक पिसाएगा, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। अब मैं एक पैन ली हूँ, उसमें थोड़ा घी डाली हूँ, ज़्यादा घी ना डालें। अब जीरा डालूंगी, 1 तेजपत्ता, थोड़ा इसे पकने दे। अब धनिया पाउडर डाल रही हूँ, अब तुरंत पानी डालूंगी, नहीं तो धनिया पाउडर जल जाएगा। अब मैं थोड़ा लाल मिर्च डालूंगी, मिर्च अपने हिसाब से डालें कम बेसी। ये हल्दी डाली, अब इसे थोड़ा भून लें। अब मैं पिसा हुआ टमाटर डाल रही हूँ, अब इसे अच्छी तरह से मिला लें। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है, इसमें ज़्यादा मसाला नहीं पड़ता है। अब मैं मलाई डालूँगी, मलाई ज़्यादा पड़ेगा इसमें। मलाई जब भी डालें नॉर्मल डालें, ज़्यादा ठंडा ना डालें। अच्छी तरह से इन सभी को मिला लें। ये देखिए मेरा सब घी बाहर आ गया है मसाला के ऊपर, यानी मसाला भून चुका है मेरा। ये टमाटर भून चुका है, अब मैं इसमें पनीर डालूंगी। इसे एक दो बार चला लें। इसे अच्छी तरह से मिलाएं। अब मैं पानी डाल रही हूँ थोड़ा सा। अब आधा चम्मच इसमें गरम मसाला डालूंगी। स्वाद के अनुसार नमक डालें। अब मैं आधा चम्मच चीनी डालूंगी इसमें। ये मसाला को ठीक करेगा, कम बेसी होगा तो इसे बराबर कर देगा चीनी। तेजपत्ता को मैं निकाल के अलग कर दूंगी, इसका आप कोई काम नहीं है। अब मैं इसे ढकूंगी, इसे 7 से 8 मिनट पकाऊंगी। ये देखिए बन चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा कसूरी मेथी डालूंगी। अब 2 मिनट और पकाऊंगी इसे। मेरा सब्जी तैयार हो गया है। ये देखिए
कितना अच्छा बना है ये गाढ़ा। दोस्तों एक बार आप लोग ज़रूर बनाएं। थैंक यू।